नहीं फेकी मैं को जल्दी से उठाना पड़ेगा, बहुत ही खतरनाक इमरजेंसी है। फेकी मैं, अरे फेकी मैं जल्दी उठ जाओ, उठाओ। अरे फेकी मैं क्या कर रहे हो, उठाओ। अरे शिनचैन सोने दे यार, मेरे को क्यों उठा रहा है। अरे फेकी मैं उठ जाओ, इमरजेंसी है। अबे क्या होगा शिनचैन। अरे फेकी मैं जल्दी हो, बार बता दूं। अरे फेकी मैं जल्दी देखो एवेंजर ग्रुप में क्या है। क्या है क्या है, बता बता। अरे फेकी मैं खुद के फोन में देखो ना। अच्छा देख देता हूं। अरे क्या है एवेंजर ग्रुप में, क्या हो गया। दोस्तों मैं हूं एसगार्ड का राजा और आपका दोस्त थोर, और आज आप जीत सकते हो एसगार्ड को एक रैम चैलेंज में। अगर आप रैम चैलेंज में जीतते हो जो कि मैं बना रहा हूँ, तो आपको मिलेगा एसगार्ड फ्री फ्री फ्री। और आपको तो बताइए एसगार्ड में डायमंड सूखते हैं, तो आ जाओ रैम चैलेंज में। अबे शिनचैन ये एसगार्ड तो वही जगह ना जहाँ पेड़ों में डायमंड सूखते हैं। अरे फेकी में वही जगह। चल 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 हमें जल्दी चलना पड़ेगा। एक सेकंड, हमारी गाड़ी को क्या हो गया। अरे फेकी में याद नहीं है, हम रात को पी के आए थे फिर। हाँ ठीक है याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अरे फेकी में अब क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे गाड़ी। अरे शिनचैन कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से गाड़ी का इंतजाम तो करना पड़ेगा। रुको मेरे पास एक आइडिया है। अरे फेकी में क्या आइडिया है। इतनी जल्दी मैं कहीं से गाड़ी तो नहीं ला सकता, तो हमें गाड़ी चुरानी पड़ेगी, और मुझे बिल्कुल ढंग से पता है किसकी गाड़ी और कहाँ चुरानी है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं प्रेसिडेंट की मीटिंग पर। यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक वाली सुपर कार आई है प्रेसिडेंट को जो गिफ्ट मिलने वाली है, पर उसको मैं चुराने वाला हूँ। पर यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है, मैं कोई भी वेपर अंदर नहीं लेके जा सकता। तो गाइस फटाफट से वो कार ढूंढते कहाँ पे, और वो गाड़ी मुझे दिख चुकी है। तो गाइस यही वो गाड़ी है जो की हमको चुरानी है। अरे फेकी में तो बहुत ही खतरनाक है। शिनचैन खतरनाक तो बहुत है। तो गाइस हमें चुपचाप से यहाँ से निकलना पड़ेगा, सिक्योरिटी चेक वहाँ पे चल रहा है, और अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। शिनचैन भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है, और गाइस हम प्रेसिडेंट और उसकी गाड़ी के बहुत ही ज्यादा पास पहुंच चुके हैं। तो अभी सामने में प्रेसिडेंट दिख चुका है। प्रेसिडेंट जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मेरा 5 का सिक्का गिर गया। अरे आंटी मेरा 5 का सिक्का गिर गया। अबे जल्दी जल्दी उठा लो, ज्यादा देर मत लगाना। हाँ देर क्यों लगाऊंगा, अरे मेरा 5 का सिक्का कहाँ चला गया। अरे फेकी मैं अपने पास तो 5 का सिक्का ही नहीं था। अबे शिनचैन चुप हो जा। चलो गाइस हम गाड़ी के पास पहुंच चुके, फटाफट से बैठते। बैठ बैठ शिनचैन, निकलो यहाँ से। प्रेसिडेंट सर की गाड़ी चोरी होगी, पुलिस भेजो उनके, भागो। अरे फेकी मैं प्लान तो याद है ना। अरे प्लान तो बिल्कुल याद है। तो गाइस अभी हमारे पीछे पुलिस मिलिट्री सबके सब पड़ गए, अपनी गाड़ी को कुदाते हैं। और गाइस क्या हिम्मत से लैंडिंग करिए सीधा बोर्ड के ऊपर। तो गाइस ये बोर्ड हमने पहले यहाँ पे लगा दी थी ताकि हम यहाँ से निकल जाए। चलो गाइस यहाँ पे हमारी बोट पार्क हो चुकी है, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं उससे पहले कि पुलिस वाले बोट लेके आए। और गाइस इसको हम थोड़ी देर पानी में खड़ी करेंगे ताकि पुलिस वाले चले जाए, फिर इसको लेके जाएंगे सीधा रैम चैलेंज में। और के रैम चैलेंज में तुम सब दोस्तों का स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है इस खतरनाक रैम चैलेंज में। जो भी ये रैम चैलेंज जीतेगा वो एसगार्ड जीतने वाला है। मैं तुमको बताता हूँ तुमको करना क्या है। इन फुटबॉलों के बीच में से निकलते निकलते जाना है, इधर जाना है इधर जाना है, इनसे बचते बचाते जाने का है और जीतने का है। हल्के ऊपर गाड़ी चलाना, इसका मुंह को चल देना है, और यहाँ पे लैंड करके अपनी बाइक को चेंज करके फिनिशिंग लाइन तक जाना है। जो भी सबसे पहले पहुंचेगा रैम चैलेंज जीतेगा। और हमारे सारे के सारे कंटेस्टेंट भी आ गए, चलो शुरू करते हैं। तो कहा सर अभी हम आ चुके थोर के रैम चैलेंज में, और यहाँ पे देखो कितने सारे हल्के, यहाँ पे रेड हल्क, ये फ्लैश हल्क और ये दद्दू हल्क, इतने सारे हल्क यहाँ पे आ चुके हैं कि पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पे आ चुके हैं, और करने वाला ये खतरनाक सा रैम चैलेंज। फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले जाएगा सबसे खतरनाक हल्क, जो की हूँ मैं। नहीं 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 मैं सबसे खतरनाक हल्क हूँ। चुप हो जा, सबसे पहले मैं ही जाऊंगा। तो गाइस सबसे पहले जाने वाले फ्लैश हल्क, देखते हैं ये क्या करने वाले। पहले तो फुटबॉलों को लात मारते मारते ये जा रहे हैं, सामने लकड़ी से तो नहीं भिड़े, और ये जा रहे हैं हवा में, देखते हैं क्या ये टकराएंगे या फिर सीधा सीधा निकल जाएंगे। और ये तो रैंप से ही बाहर गिर गए। ये क्या हो गया, अब मैं जाऊंगा। मैंने तो बोला था सबसे खतरनाक हल्क मैं ही हूँ, वो तो एकदम पित्ती है। ये वाली बाइक लेके जाऊंगा, ये वाली बाइक सबसे खतरनाक है। ऐसा नहीं है, सारी की सारी बाइक बिल्कुल सेम ही है। तो गाइस अभी जाने वाला ये ग्रीन दद्दू हल्क, अभी मैं जाने वाला हूँ और जीतने वाला हूँ। हट जाओ। और गाइस अभी ये रैंप चैलेंज स्टार्ट हो चुका है दद्दू हल्क के साथ, देखते हैं ये क्या करने वाला है। अभी ये यहाँ पर थोड़ा सा अटका था पर यहाँ से निकल चुका है, इधर से भी ये निकल चुका, और ये यहाँ पे रैंप पे आ चुका है। सामने लकड़ी दौड़ रही है और दद्दू ने खुदाई, अभी ये रैंप पे आ चुके हैं, लकड़ी के ऊपर से टायर खुदा लिया, और यहाँ पे इतने सारे टायर आ चुके हैं, इनसे बचते बचते अपनी बाइक को लेके जाते जाते यहाँ पे चार टायर उड़ा दिया हवा में से। और गाइस अब इस कंटेनर्स के ऊपर जाने वाले फुल स्पीड में कूदने वाले रेड हल्क के ऊपर, अपनी बाइक को चलाने वाले रेड हल्क के ऊपर अपनी बाइक चला दे और यहाँ पे लैंड भी कर दिया। मैं तो जीतने वाला हूँ, मैं जीत गया। और गाइस यार मुझे लगा था ये पहुंच जाएगा, पर ये इतना ज्यादा तेज हंसा कि इसकी बाइक हिल गई, पूरा बैलेंस हिल गया और ये पानी में गिर गया।
ये सारे के सारे आज तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं हूं स्पाइडरमैन, मेरी बारी आ चुकी है। तो गाइस अब स्पाइडरमैन की बारी आ चुकी है। दोनों हल्क तो नहीं कर पाए थे पर दद्दू हल्क बहुत ही ज्यादा पास में थे, तो देखते हैं स्पाइडरमैन कहां तक पहुंचेगा। मैं तो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचूंगा। अरे फिनिशिंग लाइन तक बस पहुंचेगा, उसको कंप्लीट नहीं करेगा? मेरा मतलब है फिनिशिंग लाइन को कंप्लीट करूंगा। चलो देखते हैं स्पाइडरमैन कहां तक पहुंचने वाला है। सामने आ चुके हैं ये टायर और जिसमें स्पाइडरमैन स्टंट मारने लग गया। अबे क्या कर रहा स्पाइडरमैन? मैं हूं स्पाइडरमैन, 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 तूने चुराया मेरे दिल का चैन। और ये कौन से स्टंट कर रहा है? और अब ये रेड हल्क के ऊपर आ चुका है, इनके ऊपर से गाड़ी चला लिए, रैंप से कूदा लिए, देखते हैं क्या ये पहुंच पाएगा। मैं तो पहुंच ही जाऊंगा ये। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टंट कर रहा है। और देखते हैं कहां तक ये पहुंचेगा। और ये गया पानी में। अरे ये तो चीटिंग है, मैं नहीं मानूंगा। मैं पहुंच जाऊंगा स्विमिंग करके। नहीं, स्विमिंग करके नहीं पहुंच सकते, बाइक पे ही पहुंचना था। मैं जीत गया, मैं जीत गया। अरे मेरी बारी आ चुकी है, सभी की सभी ने अपनी बारी कर ली, अभी मेरी बारी और मैं तो जीतने वाला हूं एस्गार्ड को। तो गाइस आपको लगता है कौन जीतने वाला है थॉर का एस्गार्ड? फटाफट से कमेंट करके बताओ, क्योंकि एस्गार्ड सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एक तरह वहां पे डायमंड उगते हैं, मतलब हर पेड़ में से डायमंड निकलते हैं और ऊपर से वो इतना ज्यादा खतरनाक है। चलो गाइस अभी देखते हैं शिनचैन क्या करने वाला है। मैं तो जीतने वाला हूं, एक्शन कमेंट कीजिए, लकड़ी वाले अंकल हट जाओ। और गाइस शिनचैन ने लकड़ी को पार कर लिया, सामने देखते हैं टायर वालों को पार कर भी नहीं। मुझे पसंद आई तो वाली भी ले जाऊंगा। चुप हो जा फ्रैंकलिन। अरे गाइस तो मुझे मार रहा है। गाइस फटाफट से कमेंट करके लिख दो रेड हल्क हार जाए, ताकि जल्दी से हार जाए, इसने मुझे मारा। फटाफट से कमेंट कर देना। ओए ये देखो मैं क्या गाड़ी चला रहा हूँ। और गाइस ये रेड हल्क तो बहुत ही हवा में गाड़ी चला रहा है और ये तो गोल गोल घूमने लग गया है। और गाइस इसने पहला व्हील क्रॉस कर लिया, देखते हैं हमारा रेड हल्क कहां तक जाने वाला है। अभी जा रहा है रेड हल्क फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को भगाते भगाते, देखते हैं कहां तक ये पहुंचने वाला है। ओए फिनिशिंग लाइन आ रहा हूं मैं। अरे गाइस ये तो सीधा सीधा पहुंचता जा रहा है। ओए मैं तो फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया। और गाइस अभी आप देख सकते हो रेड हल्क पहुंच चुका है फिनिशिंग लाइन तक, इसने कंप्लीट कर दी। पर एक सेकंड, इसको बाइक चेंज करनी थी, वो नहीं करी। ओए क्या हो गया, मेरे तक तो कोई पहुंच भी नहीं पाया, मैं जीत गया। तो गाइस वैसे तो रेड हल्क जीत चुका है पर वो जीता नहीं भी है, क्योंकि उसने बाइक वहां पे चेंज नहीं करी थी। अगर मैं बिल्कुल ढंग से जाऊं उस बाइक को चेंज करके अगर ये रैंप चैलेंज कंप्लीट करूं तो मैं एस्गार्ड जीत सकता हूं, और मैं वही करने वाला हूं। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं, बाइक को भी चेंज करना है, बस ये याद रखना है, और फिर जाएंगे सीधा उस सर्कल के अंदर जहां पे करनी है हमको बाइक चेंज। और गाइस क्या ही लैंडिंग करी है, अभी हम यहां पे करेंगे फटाफट से बाइक चेंज। अगर मैं फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया तो मैं आराम से ये जीत जाऊंगा। चलो गाइस फटाफट से यहां से चलते हैं, मारते हैं खतरनाक सी जंप। और ये अरे बच गया, बच गया। अरे बिल्कुल लगा था मैं सीधा नीचे जाऊंगा। और गाइस बिल्कुल ढंग से जाना पड़ेगा अपनी बाइक को कंट्रोल करते करते, ये कहीं पे भी घिरनी नहीं चाहिए। चलो फटाफट से चलते जाओ, चलते जाओ। सामने फिनिशिंग लाइन आ चुकी है, मैं बस पहुंचने वाला हूं। मेरी बाइक, मेरी बाइक, मेरी बाइक। अरे ये कहां चली गई? ओ मैं थॉर, ओडिन पुत्र, रेड हल्क ने पूरा चैलेंज किया, बस बाइक चेंज नहीं करी, तुम बहुत ही ज्यादा पास आकर रुके फ्रैंकलिन। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे मुझे दे दो, मैं इतना सा पास आया था वही बाइक चेंज करके। ओए ऐसे कैसे, मैंने पूरा रैंप चैलेंज कंप्लीट किया है, कोई भी नहीं कर पाया था। अरे पर बाइक भी तो चेंज नहीं करी। ओए तू तो पहुंच भी नहीं पाया था, तू क्या बोल रहा है? अरे पर मैं बाइक तो चेंज कर गया था ना। ओए बाइक चेंज करने से जीतते नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं हूँ ओडिन पुत्र थॉर, मैं आज से एस्गार्ड तुम दोनों के नाम करता हूँ, आधा एस्गार्ड तुम्हारा और आधा एस्गार्ड तुम्हारा, मजे करो। क्या मुझे पूरा चाहिए? ओए मुझे भी पूरा चाहिए। ठीक है फिर मैं ही रख लेता हूँ एस्गार्ड। नहीं नहीं चलेगा चलेगा, ओए मुझे भी चलेगा। तो गाइस अभी रेड हल्क और मैं आ चुके हैं एस्गार्ड में थॉर, लोकी और ओडिन के साथ। अभी गाइस आप देख सकते हैं एस्गार्ड कितना ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पे बहुत सारे डायमंड है और ये सारे के सारे हमारे डायमंड है, और ये हमारे पेड़ भी है जिसमें से डायमंड निकलते। सोचो यार इन पेड़ों में पानी दो और इसमें से डायमंड निकलते, और ये पानी के बीचों बीच है तो पानी भी अपने आप ही चला जाता है और उससे हमको मिलते हैं अनलिमिटेड डायमंड। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा एस्गार्ड, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा। तो गाइस आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना, चाहे वो सब्सक्राइब कर देना।
सीरियसली वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और कैसा इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाकर जाना फॉलो करना। और कैसा मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय एस्गार्ड, जय बाय बाय, जय डायमंड।